खान, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और अब आके हम मैं नाश्ता बना रही हूँ अपना, बच्चों का, मौजम का। जैसे आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा कि मैंने कितना ज़्यादा मैस हो गया घर के अंदर, जस्ट मैं कपड़े चेंज कर रही थी सर्दियों गर्मियों के। ऑब्वियसली ये एक दफ़ा काम तो करना ही पड़ता है जब सीज़न स्टार्ट होता है तब, तो बस मैं वो ही कर रही थी। और फिर बच्चों ने भी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, पूरी रात रेयान जागता रहा है, पूरी रात लिटरली। तो वो जब जागेगा तो ऑब्वियसली हम तो नहीं सो सकते। और फिर सुबह रात को मैं लेटी थी कोई 1 बजे के करीब और 2 बजे रेयान उठ गया था, और फिर पूरी रात की नींद भी पूरी नहीं हुई थी, सब कुछ ऐसे डिस्टर्ब है। तो मुझे सुबह बहुत गुस्सा आया, ऊपर से सुबह मोमिना ने नैपी लीक कर ली अपनी, तो जब उसने नैपी लीक किया तो मुझे पूरी बेडशीट सब कुछ धोकर रखना पड़ा, इसलिए नाश्ता भी इतना लेट हो गया। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे ने कहा गुस्सा नहीं करो, मैं दोनों बच्चे साथ ले जाता हूँ और तुम आराम से ब्रेकफास्ट बना लो, फिर आता हूँ तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर तुम काम करती रहना, तो यही हो सकता है। तो हम एक में ही खा लेंगे। इसमें दूध भी डाल देती हूँ। यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और हम लोगों ने आज काफी टाइम के बाद एक प्लेट में खाना खाने लगे हैं। और इस बच्ची ने इस गंदी लाओ 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 इस गंदी बच्ची ने सारा पानी गिरा दिया। अभी आके हम लोग सेटल होके बैठे भी नहीं हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और इसने जो है ना वो अपनी हरकत कर दिया है। सो आज मैं जैसे बता रही थी काफी टाइम के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे हैं एक प्लेट में। यूजुअली हम लोगों नहीं करते। हाँ जी मैडम, बात भी ना करें हम। मोमिना की तबीयत भी ठीक नहीं है बिल्कुल, इसका सांस ही नहीं निकल रहा, नोजी ब्लॉक है। ये लो सर, आपको कैसा लग रहा है हम एक प्लेट में खाना खाने लगे हैं काफी सालों के बाद, है ना? एक 1.5 साल तो हो गया होगा। हाँ। मजबूरी में ही खाते हैं, जब भी खाते हैं शुरू शुरू में खुशी से खाते थे लेकिन फिर हम लोगों ने चेंज कर दिया है ना। चलाओ फिर, अब भाई भूख लगी हुई है, हमारे रिएक्शन नहीं निकलेंगे अब, बस हम लोग फर्स्ट पानी। ओके ये लो। और बच्चे मेरे नहीं खाते एग, जैसे मैंने आप लोगों को कितनी दफ़ा बताया है। सो उसके लिए रेयान को ये पसंद है, वैसे स्कूल डेज में वो रोज़ कॉर्नफ्लैक्स और सीरियल्स खाता है, तो आज उसकी छुट्टी है तो मैंने कहा आज वो ये ऐसा कुछ खा ले। काम मेरा हो गया, बस सुबह की मैं वो ही करने में लगी हुई थी। सो यहाँ पर बच्चों के सारे कपड़े जो हैं वो मैंने लगा दिए हैं, घर पहनने वाले इस तरफ हैं और बाहर पहन के जाने वाले इस तरफ हैं, ताकि इजी हो जाएगा। और दरमियान में यूनिफॉर्म रख दिया है पार्टीशन के लिए। एंड ये जो है बास्केट, इसमें मैंने इनकी जो सॉक्स हैं रेयान की, मोमिना की, साथ में गर्म जो होती है कैप, ग्लव्स, रेयान के अंडरपैंट्स, सो ये अब जाएगी इधर। तो बच्चे मेरे सॉर्टेड हैं, अब मैं अपनी तरफ चली जाती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, मतलब जब आपकी आपके काम हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है। मैं इसी तरह से इनको लटकाती हूँ बिकॉज़ मुझे लेने में बहुत आसानी होती है, मैंने जैसे पहले भी आप लोगों के साथ कई दफ़ा डिस्कस किया है। सो इसको बंद कर देते हैं, अब चलते हैं बाहर, वो करते हैं अपना काम। क्या हुआ? आई एम सॉरी, ये सारा मैस उठाने वाला है, मैं बस अभी मैस उठा रही हूँ, उसमें मैंने बच्चों के गर्मियों के कपड़े भी रख दिए हैं, अब बस मेरे कपड़े सारे उठाने वाले रह गए हैं, अब बस मैं ये करूँगी और मौजम के कपड़े लगाऊंगी और फिर हम डन हो जाएंगे फॉर सीजन नाउ। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। ये किसने सारा नीचे गिराई है चीज़ें? ये मोमिना ने सारे कपड़े फेंके हैं, मैंने इनको बैग में डाल के रखा था, इस बैग में, कि हमने ये देने हैं, मतलब फेंकने हैं। बिल्कुल सही है, बट मोमिना को छोटे हो गए मैं, सो वी हैव टू गिव इट। जी क्या? ओके चलो मैं फटाफट ये काट लूँ, फिर हम लोग करते हैं। ओके मैं जल्दी से चीज़ें काट लूँ। चलो आराम से
और अभी बस मैंने अंदर की क्लीनिंग कर दी है, बच्चों ने उठते ही टिश्यू वगैरह नीचे फेंकने शुरू कर दिए। मैं यहाँ की क्लीनिंग करने लगी, इसकी हालत देखिए आप कितनी गंदी हुई हुई है, इतने ज़्यादा ये लीव्स उड़ उड़ के आए हुए हैं। और रयान मोमिना ने पीछे से ये चेयर्स खुलवाई थी तो बैठे भी नहीं ऊपर, मैं इनको भी फोल्ड करके रखूँगी। और मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है, मेरा जो तवा है इसको मैंने, जो शॉपिंग बैग होता है वो गरम गरम इसके साथ लग गया हुआ है, सो अब ये उतर नहीं रहा। आई डोंट नो ये कैसे क्लीन होगा। मुजम कहते हैं मैं कर देता हूँ, अब देखती हूँ कब करते हैं, यार ना पाऊँगा उसको। सो अभी बस मैं अंदर की हो गई है, बाहर की करूँगी क्लीनिंग और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। बहुत काम हो गया आज तो, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। यार फुटबॉल उठा के ना अपना अंदर रख के आओ। चलो मोमिना, बच्चों को मैंने नहला के सुलाया था बिकॉज मुझे पता था बाद में मेरे में फिर हिम्मत नहीं रहेगी इनको मतलब रेडी करने की। सो नहा के सोए थे ये दोनों, अब ये रेडी हैं। आज रियान के डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट भी है, सो उससे पहले पहले मुझे सारे काम ख़त्म करने हैं। ये देखिए अभी झाड़ू शुरू हुआ नहीं कि यहाँ पर हवा चलनी शुरू हो गई। मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है। तुम दोनों ज़रा अंदर डैडी के पास चले जाओ प्लीज़। यार जाओ ना, आप जाओगे तो मोमिना भी जाएगी फिर। मिठी, मिठी ने कल जो मैं इसके लिए नए पजामाज ले टाइट्स लेकर आई थी उसने वो पहनी हुई है, कितनी क्यूट लग रही है। ए मिठी चलो अंदर, चलो चलो चलिए, मैं अब जल्दी से काम कर लूँ फिर लेट हो जाएगा नहीं तो। सो बाहर से मैंने सारा धो दिया है, इसको अच्छे से क्लीन कर दिया, ब्रशेस वगैरह धो दिए हैं, वो बिन धो दिया है जो किचन वाली है, और साथ में कपड़ों वाली जो टोकरी है उसको भी धो दिया है। सो ये अच्छे से सारा क्लीन हो गया, इसकी कोई शक्ल निकल आई है। पहले तो अजीब लग रहा था, और ये जो है बिन में से कुछ गंद निकला है, और साथ में ये। अब मैं चलती हूँ अंदर जाके धोती हूँ बर्तन। अभी रयान की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है और बच्चों को मैं यहाँ पर लेकर आई हुई हूँ, और इन दोनों ने ये देखें क्या तूफ़ान मचाया हुआ है। इनको मैं 50 दफ़ा उठा के ऊपर रख चुकी हूँ। और रयान इधर क्यों आ रहे हो बार बार, इधर क्यों आ रहे हो आप लोग, चलो उस तरफ भाई जान वो गए हैं, चलो आओ भाई। तो रयान का जो भी ट्रीटमेंट था वो हो गया, एक फ्लूइड सा लगाते हैं जिससे कि कैविटी नहीं होती, तो एवरी 6 मंथ्स के बाद मैं इसको लगवा देती हूँ ताकि कैविटी होने के चांसेस कम हों, बिकॉज रयान के जो दांत हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। मोमिना के भी मैंने दांत चेक करवाए हैं इसके तल, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सो अभी है जी नेक्स्ट डे, और अब मेरा आजकल ऐसा ही हो गया कि दो दो दिन तक मेरा कैरी ऑन होता है व्लॉग, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। कल बहुत ज़्यादा काम हो गया था, मेरी तवक्को से और हिम्मत से ज़्यादा काम हो गया था, और उसके बाद फिर मैं कैरी ऑन नहीं कर पाई अपने व्लॉग को। एंड आज भी सुबह से जो मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग कर रही हूँ, बच्चे की जो बर्थडे है उसके रिलेटेड, ज़्यादा बड़ा फंक्शन तो नहीं कर रही लेकिन फिर भी चीज़ें तो चाहिए होती हैं, वो सारी की हैं। उसके बाद डेकोरेशन की भी ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस 2-4 चीज़ें थी, लेकिन सेपरेट शॉप पे जाना पड़ा उस चीज़ के लिए, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और साथ में थी मोमिना साहिबा, मतलब मोमिना के साथ काम इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसका नींद का टाइम हो गया था, टेंट्रम्स शो कर रही थी, इरिटेट हो रही थी, और हम सबको परेशान कर रही थी, मुझे और मौज़म को। इस वजह से मैं सुबह से मतलब हाथ भी नहीं लगा पाई फ़ोन को, ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई है। तो मैंने कहा अभी शाम का टाइम है तो मैं अपने व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज में है मेरे बेटे का बर्थडे, सो आज 6:35 पे वो इस दुनिया में आया था, तो 6:35 को ही वो अपना गिफ्ट खोलेगा। एक गिफ्ट आज मैं उसको अलाउ करूँगी खोलने के लिए, सो बाकी वो परसों जब हम फंक्शन करेंगे सैटरडे को तो तब वो बाकी की गिफ्ट खोलेगा। एंड हलेला को इनवाइट किया हुआ है, वो भी आएगी, और अम्मी और बाकी सब तो होंगे ही। सो एक छोटा सा एक हम लोग गेट टुगेदर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इन्जॉय करेंगे, ऐसे ही होता है। वैसे भी सिचुएशन ऐसी है कि ज़्यादा हम लोग कर नहीं पाएंगे, और वैसे भी हम ज़्यादा करते भी नहीं हैं टू बी वेरी फ्रैंक, हम बस नॉर्मल सा करते हैं, जैसे कि खुशी की खुशी हो जाए और गैदरिंग की गैदरिंग हो जाए, बस इतना सा करते हैं। सो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है, जो कि आज मैं कुछ जैसे मसाला वगैरह बना दूंगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है तो वो काम मैं आज ही कंप्लीट कर लूंगी, और कल के दिन जो बाकी रह जाएगा वो करूंगी, और परसों तक तो वैसे ही फंक्शन है तो परसों तो
बहुत मिनिमम काम हो करने के लिए ऐसा होना चाहिए। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, मैंने कहा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं, आप लोगों से बात कर लूं। और मैं हमेशा अपने बच्चों की जो बर्थडे होती है उस दिन जिस दिन वो इस दुनिया में आते हैं, दोनों के, मम्मी ने तो अभी 1 साल की हुई है बट रेयान माशाल्लाह से 4 साल का हो गया, तो मैं उस दिन शुक्राने के नफल ज़रूर अदा करती हूँ। क्योंकि पूरा साल हम इतना गौर नहीं करते कि अल्लाह की ज़ात ने हमें क्या नेमतें दी हुई हैं। वो एक दिन ऐसा होता है कि जब मैं रिफ़्लेक्ट करती हूँ और रियलाइज़ करती हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे इतनी बड़ी नेमतें दी हुई हैं जिनका मतलब जिनको आप बदल नहीं सकते। वो ऐसी नेमतें हैं कि जो कि बहुत ही प्राइसलेस हैं। तो अल्लाह की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह की ज़ात ने साहिब औलाद किया है, सेहतमंद औलाद दी है, और अल्लाह की ज़ात ने इतना करम मेरे पे किया है कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे ये सारी खुशियाँ दी हैं। सो वैसे तो हम लोग हमेशा कंप्लेन ही करते हैं अल्लाह से। सो ये एक दिन मैं भी आप लोगों को कहूँगी कि जब भी किसी का भी बर्थडे हो, हस्बैंड का हो, वाइफ का हो, अम्मी पापा का हो, बहन भाइयों का, बच्चों का, किसी का भी हो, बस ये 2 मिनट आप निकालें और नफल अदा करें शुक्राने के, और अल्लाह का जितना हो सके शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं। चाहे वो रिश्ता हो, लोग हों, चीज़ें हों, कुछ भी हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे हम ना शुक्री करें। सब चीज़ें अल्लाह की ज़ात ने हमें देखते हुए समझते हुए दी हैं। हम हमेशा कमियों की तरफ जाती हैं लेकिन जो अल्लाह की ज़ात ने हमें इतनी नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा नहीं करते। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहूँगी, ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, 2 नहीं तो 4 लग जाएंगे, ये आप जरूर निकालें और आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा जब आप अल्लाह से बात करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इससे चीज़ों में बरकत भी होती है और इंसान अंदर से जो सुकून है वो महसूस होता है। सो इस नोट पे चलिए ब्रयान जो है वो अपना गिफ्ट खोलता है और देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा आता है। वो थोड़ा नींद में है अभी, वो बिल्कुल भी अभी फ्रेश नहीं है, लेकिन अभी फिर मौसम ने चले जाना तो उससे पहले पहले हम गिफ्ट खोल लेते हैं। चलिए चल के गिफ्ट खोलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, खोलो, हैप्पी बर्थडे डियर रियान, हैप्पी बर्थडे ग्रांडे। आपको अच्छा लगे? अच्छा लगे? चलो डैडी को किसी कार दो फिर। यस क्या स्ट्रांग हो? ये खोलने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। सो यहाँ पर ये वाला कुकर जो है मैंने अम्मी का नया वाला निकाल लिया, हमारा पुराना कुकर जो है वो ख़राब हो गया। सो ये इतना बड़ा कुकर है, मैं सोच रही हूँ इसको लगाऊं कि नहीं लगाऊं। ये 11 लीटर्स का है। सो बहुत बड़ा कुकर, और ये हमने यहाँ से नहीं लिया, ये पाकिस्तान से आया है। बिकॉज बहुत सारे लोग शायद पूछें कि आपने कहाँ से लिया है, तो ये यहाँ का नहीं है, ये पाकिस्तान से आया है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि जो मैंने मीट टेंडर करना है वो मैं इसी में कर लूँ, बिकॉज अगर खुला उसको करूँगी ऐसे ही रख के तो शायद बहुत टाइम लग। सुबह से ये देखें आप, कोफ्ते बन गए हैं, उसके बाद ये शामी जो है उनके लिए मिक्सचर सारा रेडी हो गया और मीट निकाल दिया हुआ है। सो अब जल्दी से मैं मसाला वगैरह रेडी करूँगी और फटाफट से काम कर लूँगी। तो ये देखें आप कितना मज़े का हमारा मीट जो है वो हो गया। ये हाफ़ कुक्ड है, ये फुली डन नहीं है। सो इसको मैं परसों जब चावलों में मैं इसको दाम दूंगी ना, तब मैं इसको कंप्लीट करूंगी। सो एक चीज़ हो गई है, और साथ में ये मैंने मसाला रेडी कर लिया कोफ्तों के लिए। सो कोफ्ते भी जस्ट मसाला रेडी किया है। ये दोनों चीज़ों को मैं संभाल के रख लूँगी, परसों फिर बाकी का प्रोसेस होगा। ये हाफ़ कुक्ड है और काफ़ी इजी हो जाता है, बच्चों के साथ तो ऑब्वियसली मुश्किल होता है। सो अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं, मैं खाना गर्म करने लगी हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।